जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बॉलीवुड की एक्ट्रेस सनी लियोनी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अडल्ट फिल्मों से की थी। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, सनी लियोनी के जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो चुके हैं जिसके चलते इनका नाम अब पॉजिटिव रूप से देखा जाता है, यानी कि सोशल ऐसे वर्क्स करते हुए दिखाई देती हैं जिसके चलते देश के सभी लोग इन्हें काफ़ी प्यार करते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संकट सभी देशवासियों पर मंडरा रहा है, तो सनी लियोनी ने भी इसके चलते एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये बताया है कि इसलिए मैं अमेरिका यानी यूएस में रहना पसंद कर रही हूँ इन दिनों। बता दें दोस्तों कि मदर्स डे के दिन यूँ तो हमें सभी सेलिब्रिटियों के पोस्ट देखने को मिले सोशल मीडिया पर, जहाँ पर अपनी अपनी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे की विश करते हुए दिखाई दी। इसी बीच सनी लियोनी का एक ऐसा मैसेज था जिसके चलते उनके फैंस काफ़ी निराश हो गए, क्योंकि इन्होंने इसमें लिखा कि सभी मॉम्स को हैप्पी मदर्स डे। जब आपकी ज़िंदगी में बच्चे आ जाते हैं तो आप अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ों को पीछे ही छोड़ देते हैं और ख्याल को आगे रखते हैं इस बात को कि आपका परिवार सबसे पहले है। डैनियल वेबर और मैं अपने बच्चों को वहाँ लेकर आई हूँ जहाँ हमें लगता है कि वे इस ना दिखने वाले वायरस से सुरक्षित रहेंगे। घर से दूर हमारा एक घर जो लॉस एंजलिस में है यूएस में, मुझे पता है मेरी माँ भी मुझे ऐसा करने को कहती, मैं आपको याद करती हूँ माँ। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए विश भी किया। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि सनी लियोनी अपने यूएस के लॉस एंजलिस वाले घर में रहना पसंद इस बात को लेकर कर रही है कि वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल इस बात को लेकर नहीं करना चाहती कि वह कोरोना वायरस की कहीं चपेट में ना जाएं। उन्होंने बताया अपने करियर से ज़्यादा अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका परिवार सुरक्षित है और आप सुरक्षित हैं तो आपके करियर में अन्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर आप ही नहीं रहेंगे तो बदलाव का कोई विषय बनता ही नहीं है। इसी बीच सनी लियोनी ने बताया कि भारत से सही यूएस में इन दिनों रहना मैं सुरक्षित पसंद कर रही हूं, क्योंकि अगर भारत से यूएस के बीच में मैं ट्रेवल करती हूं तो इस ना दिखने वाले वायरस यानी कोरोना वायरस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बताया जाता है किस प्रकार से विदेशों में कितनी तेज़ी से फैल रहा है ये वायरस। भले से ही भारत देश में कुछ ज़्यादा मजबूती से पकड़ नहीं बना रखी है उस वायरस पे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सनी लियोनी भी ये नहीं चाहती कि उनका परिवार भी इस वायरस की चपेट में आ जाए। उनका ये कदम, उनकी ये पहल बहुत ही तारीफ के हकदार है। ऐसे में सोशल मीडिया पे भी इनकी तारीफ हो रही है, साथ ही साथ इनके फैंस इनको मिस करेंगे कि वह इंडिया देश में नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में लगभग बहुत से महीनों की आशंका जताई जा सकती है कि कम से कम अधिकतर महीनों तक फ्लाइट यानी उड़ानें नहीं भरी जाएंगी, यानी विदेशों से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा इतना बढ़ चुका है। अगर आती भी है तो ऐसे में 14 दिन का क्वारंटाइन नियम बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर राज्य से राज्य के अंदर जाता है या फिर देश से विदेश के अंदर आएगा तो 14 दिन का क्वारंटाइन उनको करना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग खबरों के लिए धन्यवाद दोस्तों।